राधे राधे फ्रेंड्स, चलिए आज बनाते हैं छोले दाल की इतनी टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी, जिसे खा करके आप इसके दीवाने हो जाएंगे। तो चलिए, बहुत ही आसान है बनाने से, तो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो बनना है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल बनना है तो मेरे चैनल को अपना एक प्यार भरा सपोर्ट दीजिएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कप चने दाल को अच्छे से रात भर के लिए भिगो दिया हुआ था। अगर आप रात भर के लिए नहीं भिगो पाते हैं तो 2 घंटे पहले इसे गुनगुने पानी में डाल करके रख दीजिए। जब ये फूल जाएंगे अच्छे तरीके से, 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धुल लीजिएगा। फिर इसे मिक्सर जार में डालिए। तीखे के लिए 3 हरी मिर्च, और साथ में ही मैंने इसमें लगभग 2 जवा पूरे के पूरे खड़े लहसुन की कलियाँ डाली हुई। लगभग 20 से 25 लहसुन की कलियाँ होंगी छोटी छोटी सी। इन्हें हम बिना पानी डाले हुए अच्छे से पीस लेंगे। अगर आपको पीसते वक्त ऐसा लग रहा है कि ये पीस नहीं रहा है, तब आप इसमें थोड़ा मोड़ा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा ही इस तरह का रहे। एकदम स्मूथ सा इसका हमें पेस्ट बनाना है। अगर आप चाहें तो इसमें 3 से 4 चम्मच बस पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा, बिल्कुल भी गांठे ना रहे, एक भी चना दाल हमारा जो खड़ा ना रहे, अच्छे से पीस जाए। इसे कटोरी में निकाल के साइड में रख देंगे। एक मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए हम इसमें 1/2 चम्मच साबुत धनिया डालेंगे, 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे, और साथ में लगभग 10 से 12 इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हम इसे कुटनी में डाल करके अच्छे से कूट लेंगे। अगर आप कुटनी में नहीं कूट पाते हैं तो मिक्सर जार में डाल करके थोड़ा चला दीजिए, ये दरदरा पीस जाएगा, या सिलपट्टे पर पीस दीजिए। अच्छे से इन सभी चीज़ों को दरदरा पीस देंगे, इससे हमारे जो नाश्ता है ना, इसमें बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आने वाला है। अगर नहीं हो तो आप इन सभी चीज़ों के मसाले भी, सूखे वाले जो पाउडर फॉर्म में आते हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं। साथ में बहुत ही अच्छे से कलर के लिए इसमें हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर लेंगे। तो हल्दी पाउडर यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच यूज़ किया, छोटी वाली चम्मच से स्वाद के अनुसार नमक डाला है। उसके बाद सभी चीज़ों को हम अच्छे से चलाते हुए आपस में मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से हमारे नाश्ते में जब सभी चीज़ें ऐड हो जाएंगी और अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, तो हम इसे यहाँ पर हम साइड में रख देते हैं ढक करके। और चलिए इसका आटा लगा लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप नाप करके चावल का आटा, और साथ में इसमें 4 से 5 बड़े चम्मच गेहूँ का आटा डाला हुआ, जिससे कि चावल के आटे में अच्छी सी बाइंडिंग आए। अगर आप इसमें गेहूं का आटा इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो मैं बताऊं आपको कि आप इसकी भी बहुत अच्छे से आटा गूंथ करके तैयार कर सकते हैं चावल के आटे से। बस यहाँ पर नॉर्मल पानी मैंने इस्तेमाल किया हुआ है आटे को गूंथने के लिए। आप अगर चावल के आटे से बस बना रहे हैं तो हल्का सा गुनगुना पानी का इस्तेमाल कीजिए, जिससे कि चावल का आटा बहुत ही परफेक्ट गूंथ करके तैयार हो जाएगा, अगर आप उसमें गेहूं का आटा नहीं डाल रहे हैं तो। यहाँ पर हमारा आटा गूंथ करके तैयार हो गया है। आटे को हमने 1 कप आटा लिया था, और लगभग 3 से 4 बड़े चम्मच गेहूं का आटा, तो 2 पोर्शन में बड़े बड़े हम इस तरह से बना करके तोड़ देंगे। यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी लोई बना ली हुई है। थोड़ा सा आटा सरफेस पे डस्ट करेंगे और लोई पर भी अच्छे से आटा लगा लेंगे। चावल का आटा तो थोड़ा थोड़ा टूटेगा, तो हाथों से इसे बस दबाते हुए किनारे किनारे पर अच्छे से इस तरह से शेप देकर के चौकोर शेप में हम इसे बेल लेंगे। इसके बाद से हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने जो मसाला तैयार किया हुआ वो मसाला ले लेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसकी बहुत कम पतली और हमें रोटी की तरह नहीं बेलना है, मोटा ही रहेगा तो ही अच्छा है चावल के आटे का, क्योंकि आप जितना पतला इसे बेलेंगे उतना ज़्यादा ये टूट जाएगा। इसके बाद से हमने जो मसाला तैयार किया वो पूरे पूरे नाश्ते पर हम अच्छे से चारों तरफ बिल्कुल मसाले को लगा देंगे। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि आपको इस तरह से मैं धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से उठा उठा के इसे फोल्ड कर रही हूँ, और इस वाले हिस्से पर जब ये बचा हुआ मसाला लहसुन इतनी दूर आप खाली रहने दीजिएगा, क्योंकि जब मैंने इसे इस तरह से फोल्ड किया हुआ था तो जो मसाला था वो इस तरह से बाहर आ गया था, और फिर मैंने इन्हें निकाल दिया हुआ था। तो यहाँ पर अगर आप मसाला नहीं लगाएंगे, यानी आगे की तरफ 2 उंगली छोड़ देंगे, नाश्ते से जो मसाला है वो बाहर की तरफ नहीं आएगा। इसके बाद से छन्नी वाली थाली लेंगे और इस तरह से इसे रख देंगे। इसके बाद से मैंने क्या किया था, भगोने में 2 बड़े गिलास पहले से ही रख दिया था उबाल आने के लिए। जैसे ही पानी में अच्छे सा उबाल आ गया था, इसके ऊपर हम ये छन्नी वाली थाली रखेंगे, ढक करके इसे 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। 10 से 15 मिनट का टाइम लग सकता है आपको, तो 10 से 15 मिनट तक इसे अच्छे से हम पका लेंगे, और 10 से 15 मिनट के बाद ये बहुत अच्छी तरीके से पक जाएगा। निकाल करके इसे रख दीजिए, थोड़ी देर अच्छे से जब ठंडा हो जाए तब जाके इसे थाली से अलग कीजिएगा, पहले निकालेंगे तो टूटने का डर रहता है। अच्छे से जब ठंडा हो जाएगा फिर इसे इस तरह से रख लेंगे हम चकले पर, और फिर इसे चाकू की हेल्प से इसे कट कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं बता दूँ कि आप इस तरह से इसे चाहें तो 2 से 3 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं बिना कट किए हुए, या फिर काट करके भी आप स्टोर कर सकते हैं। इसे बस इस तरह से रख लीजिए, और जब भी आपको खाने का मन करे इसे निकाल करके तवे पर गर्म कर लीजिए, या फिर आप इसे डीप फ्राई या सेलो फ्राई कर लीजिए, और इस तरीके से आप इस नाश्ते को बना करके कई दिनों तक एंजॉय कर सकते हैं। गर्मा गर्म ये इस तरीके से भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, टोमेटो सॉस के साथ या अपनी फेवरेट चटनी के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे तो इसे खाना बिल्कुल कुरकुरा और क्रिस्पी पसंद है। तो मैंने क्या किया था, कढ़ाई में 3 से 4 बड़े चम्मच तेल डाला, और नाश्ते को इस तरह से कट करने के बाद, बिल्कुल तेल को गर्म करने के बाद, इस तरह से नाश्ते को डाल दिया हुआ था। थोड़ी देर के लिए बिना चलाए उसे नीचे से बिल्कुल गोल्डन कलर आने दिया, और जैसे लगा नीचे से हल्का हल्का गोल्डन हो रहा है तो फिर मैंने इसे पलट दिया हुआ है।
और पलटने के थोड़ी देर बाद मैंने दूसरी तरफ से भी इसे खूबसूरत गोल्डन कलर आने तक का वेट किया हुआ था। लगभग आपको 5 से 6 मिनट का टाइम लग जाएगा और ये बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर आ जाता है और खाने में एकदम क्रिस्पी और कुरकुरा चावल के आटे की वजह से होता है। चने दाल में जो हमने मसाले कूट करके डाले हैं उनका फ्लेवर तो पूछे मत, बहुत ही अच्छा आता है। तो मसले मैं कहूँगी आपको एक बार ट्राई करके ज़रूर देख लीजिएगा कि कैसी लग रही है ये रेसिपी। बहुत ही चटपटी, बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल हेल्दी सी रेसिपी है। बहुत ज़्यादा तेल ये नहीं पीती है और बहुत ही अच्छे से एकदम कुरकुरी और चटपटी बनती है। तो बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।